सीतापुर विधानसभा के नवनिर्वाचित विधायक राम कुमार टोप्पो ने आज सीतापुर के चलता में स्थित कृषि विज्ञान केंद्र के बैठक हॉल में सीतापुर विधानसभा क्षेत्र के अधिकारी व कर्मचारियों के साथ एक दूसरे के साथ जन परिचय के तहत आज बैठक का आयोजन किया। इस बैठक में सीतापुर विधानसभा क्षेत्र के सभी विभागों के अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित रहे। वहीं बैठक में उपस्थित अधिकारी व कर्मचारियों ने सीतापुर विधानसभा क्षेत्र के नवनिर्वाचित विधायक राम कुमार टोप्पो को अपना परिचय दिया और साथ ही अपने विभाग की जानकारी देते हुए समस्याओं से भी विधायक को अवगत कराया। इस बैठक में विभागवार सभी अधिकारी व कर्मचारियों ने अपनी बातें विधायक के समक्ष रखी। ये बैठक माननीय विधायक राम कुमार टोप्पो और सीतापुर SDM रवि राही उपस्थित में संपन्न हुआ। वही विधायक ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि क्षेत्र में विकास कार्य को प्राथमिकता देते हुए भ्रष्टाचार से मुक्त रखा जाएगा। वही अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि आपको किसी भी व्यक्ति के दबाव में कार्य नहीं करना है, आप स्वतंत्र मुक्त होकर अपना कार्य करें जिससे क्षेत्र का विकास तेज गति से किया जा सके। विधानसभा के समस्त अधिकारियों का समीक्षा बैठक लिया गया। जी बिल्कुल, आगे की कार्य योजना के लिए समीक्षा बैठक लिया गया था जिसमें आने वाला 4 से 5 दिन के अंदर में सभी अपना अपना आगामी योजना को प्रेषित करेंगे और उसी के आधार पर हम बेहतर से बेहतर योजना बना के संबंधित विभागों को आगे संचालन कराएंगे। जी कुछ निर्माण कार्यों की शिकायत आ रही है जिसमें जैसे हॉस्पिटल वगैरह हैं, कुछ अच्छे नहीं बने, उस पर अधिकारियों को क्या दिशा निर्देश रहेगा? बिल्कुल, अभी उसी चीज़ों को कहा गया है कि जितने भी कार्य निर्माण हो रहे हैं जो गुणवत्ता विहीन है जिससे आगे दुर्घटना की आशंकाएं हैं, उन सभी पे बारीकियों से हम स्वयं निरीक्षण करेंगे और यदि कहीं पर घोटाला हुआ है तो उस पर तत्काल जाँच होगा। और किस प्रकार की कोई नया आदेश अधिकारियों को दिया गया? कुछ अधिकारी सीतापुर विधानसभा के सभी स्वतंत्र हैं और सभी अपने कार्य नियम के अनुसार अपने कार्य का पालन करेंगे। ये किसी भी अदर सोर्सेज के तहत उन्हें कोई दबाव नहीं दिया जाएगा और आज के बाद वो स्वतंत्र रूप से काम कर सकेंगे। सीतापुर से तौफीक अहमद की रिपोर्ट।